नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माया क्रिएशंस। आज हम आपको यहाँ पे ब्लाउज में या सूट में अटैच करने वाली डोरी बनाना सिखाएंगे, जो बहुत ही आसान है। प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबाए बेल बटन, जिससे कि आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि डोरी कैसे बनेगी। डोरी के लिए हम एक कपड़ा ब्लाउज का ही या उसी से मैचिंग पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम फोल्ड करके एक सीधी सिलाई चलाएंगे। आप देख सकते हैं हमने एक ब्लाउज का कपड़ा निकाला है। डोरी आपको जितनी पतली या मोटी रखनी हो उस हिसाब से सिलाई चलाएं। डबल फोल्ड कर लें कपड़े को। हम यूजुअली दो डोरी बनाते हैं दोनों तरफ लगाने के लिए, तो यहाँ हम दो डोरी बनाएंगे और सिलाई उल्टी तरफ, कपड़े को उल्टे की तरफ फोल्ड करके ही चलाएंगे, ताकि जब हम डोरी को अपने पलटें तो उसका सीधा पोर्शन सामने आए। तो उल्टे तरफ से ही सिलाई चलाएं। ये आप देख सकते हैं हमने दोनों पे सिलाई चला ली है। अब इसे हमें टर्न करना है, तो टर्न करने का तरीका आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूजुअली लोग सिलाई तो चला लेते हैं लेकिन टर्न करने में उनसे डोरी खराब हो जाती है। तो ये बहुत ही लेटेस्ट और आसान तरीका है, जिससे कि हम आपको डोरी टर्न कर आसानी से टर्न भी हो जाएगी और उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। पहली बार में तो सबको दिक्कत होती है। ये हमने एक सुई ली है, ये हमने एक सुई ली है मशीन वाली। अगर आप चाहें तो मोटी वाली सुई भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हमने धागे को 4 बार डबल किया है और इसे डाल के हमने यहाँ गांठ लगा ली है एंड पे। उसके बाद आप एक तरफ पकड़ के कपड़े को ऐसे कपड़े में ज्वाइन कर लीजिए और सुई का बैक का हिस्सा डाल के, सुई का बैक का हिस्सा हमने डाला है, अगर आप बड़ी वाली सुई लेते हैं तो सेम यही प्रोसेस उसमें भी रहेगा, लेकिन मशीन वाली सुई से क्या है कि थोड़ा सा आसानी हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने धागे को बाहर निकाल लिया। यहाँ जो हमने गांठ लगाई थी, अब धीरे धीरे उसी कपड़े को हम खींचते हुए अंदर की तरफ ले जाएंगे। ध्यान रखें कि इतना ज़्यादा जोर से ना खींचे कि आपका धागा टूट जाए। ऐसे कपड़ा खींचते जाएं और ये देखिए हमारा कपड़ा कितना आसानी से अंदर की तरफ टर्न हो रहा है।
जब आप सिलाई चलाएं तो एटलीस्ट इतना गैप रखें कि जिससे कि आपकी डोरी ना ज़्यादा पतली हो ना मोटी हो। और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा है कि अंदर आपकी डोरी फिल हो जाए, खाली ना लगे। ये देखिए, ये देखिए हमारी डोरी हमने टर्न कर ली है और इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। सेम अगर यही चीज़ हम दूसरे डोरी में भी कर सकते हैं। और ये अब रेडी है हमारे सूट या ब्लाउज में लगाने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।